हमारी इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है। पर इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वह महंगी चीज़ों को कॉपी करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना देश की, जो अपने डुप्लीकेट कॉपीड प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। तो चलिए जानते हैं चाइना के द्वारा कॉपी किए गए कुछ प्रोडक्ट्स। अभी मजा आएगा ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक्स को। स्टारबक्स की कॉफी। स्टारबक्स एक मशहूर कॉफी ब्रांड है जो दुनिया भर में अपनी टेस्टी कॉफी के लिए जाना जाता है। स्टारबक्स के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC में। अगर हम स्टारबक्स की बात करें तो यह एक वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी हाउस चेन है जिसके दुनिया भर में लगभग 32,660 स्टोर्स हैं, जो कि लगभग 83 कंट्रीज में अवेलेबल हैं। रॉल्स रॉयस फैंटम की कॉपी। रॉल्स रॉयस एक ब्रिटिश लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार्स बनाती है, जिसके फाउंडर्स हैं हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉल्स। रॉल्स रॉयस कंपनी ही रॉल्स रॉयस फैंटम कार बनाती है। रॉल्स रॉयस फैंटम अपने आप में ही एक बेमिसाल कार है, जिसके डिजाइन और स्पीड को देखते हुए यह दुनिया की कुछ सबसे महंगी कारों में गिनी जाती है। इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए चीन की एक कंपनी ने रॉल्स रॉयस फैंटम की कॉपी कर ली और अपने यहाँ बना डाला गिली जीई। गिली जीई को अगर आप दूर से देखते हैं तो यह रॉल्स रॉयस फैंटम के जैसी ही दिखाई देती है, पर इसकी हेडलाइट्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं। और गिली जीई कार में रॉल्स रॉयस की तरह ही कार के बोनेट पर एक लोगो भी निकलता है। हालांकि गिली जीई रॉल्स रॉयस फैंटम की तुलना में काफी सस्ती है, परंतु गिली जीई में रॉल्स रॉयस कार जैसा इंजन नहीं है और ना ही रॉल्स रॉयस जैसी प्रतिष्ठा है। तो अगर आपको भी एक रॉल्स रॉयस कार खरीदनी है तो उसके लिए आपको एक मोटी रकम तो चुकानी ही पड़ेगी। ओरियो की कॉपी। ओरियो एक अमेरिकन कुकीज कंपनी है जिसकी स्थापना 6 मार्च 1912 को हुई थी। ओरियो एक 100 साल पुरानी कंपनी है जो अपने क्रीमी कुकीज के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। अगर आप चाइना में हैं और आपका ओरियो खाने का मन हुआ तो वहां आपको ओरियो नहीं मिलेगा, पर हाँ, इसकी सस्ती कॉपी बोरियो जरूर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बोरियो जो कि ओरियो का ही एक डुप्लीकेट वर्जन है जो चाइना में बनाया जाता है। बोरियो बिस्किट का नाम और इसका रैपर पूरी ही तरीके से ओरियो बिस्किट्स की कॉपी करके बनाया गया है। KFC की कॉपी। KFC मतलब केंटकी फ्राइड चिकन। यह एक अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे डैलसस टेक्सस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सेल के मामले में यह दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन है। इसके फाउंडर हैं सैंडर्स कॉट एंड कैफ, जिसकी स्थापना 20 मार्च 1930 को हुई थी। इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं फ्राइड चिकन, हैमबर्गर, चिकन सैंडविच ETC। पर चाइना को तो अमेरिका की सभी कंपनियों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, इसीलिए उसने इस कंपनी की भी कॉपी कर ली और अपने यहाँ बना डाला OFC। मगर ये क्या दोस्तों, चाइना को अमेरिकन कंपनीज के साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तभी तो उसने OFC की फुल फॉर्म रखी है, ओबामा फ्राइड चिकन। जिस स्पीड से चाइना अमेरिकन कंपनीज की कॉपी कर रहा है, उस स्पीड से तो लगता है आने वाले समय में आपको ट्रंप फ्राइड चिकन और जो बाइडेन फ्राइड चिकन भी देखने को जरूर मिलेंगे। B-2 स्टिल्थ एयरक्राफ्ट बॉम्बर की कॉपी। यह एक 5th जनरेशन का स्टिल्थ बॉम्बर है जिसे अमेरिकन कंपनीज ने बनाया है। B-2 बॉम्बर की खास बात यह है कि ये अपने साथ अधिकतम प्रकार के वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकता है। इसकी हथियार ले जाने की क्षमता बहुत अधिक है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई से उड़कर बॉम्बिंग कर सकता है। यह एक बार फ्यूलिंग से 11,000 किलोमीटर तक जा सकता है और अगर इसे हवा में दोबारा फ्यूलिंग की जाए तो यह 20,000 किलोमीटर तक जा सकता है। यह अधिकतम 1,70,600 किलोग्राम वेट कैरी कर सकता है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए चालाक चीन ने इस एयरक्राफ्ट का मॉडल और तकनीक दोनों कॉपी कर लिए और अपने यहाँ बना दी P-2 बॉम्बर की एक सस्ती कॉपी जिसका नाम है H-20 स्टिल्थ बॉम्बर। पर H-20 स्टिल्थ बॉम्बर की वेपन कैपेसिटी बहुत ही कम है और इसकी स्पीड और अधिकतम दूर तक जाने की क्षमता भी B-2 बॉम्बर से काफी कम है। हालांकि चीन दावा करता है कि उसका H-20 किसी भी तरह से कम नहीं है, पर यह सिर्फ एक चीन के खोखले दावे हैं। H-20 बॉम्बर की पहचान सिर्फ इतनी है कि यह B-2 बॉम्बर की एक सस्ती कॉपी है। 7-Eleven की कॉपी। यह एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है
ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लगभग 71,100 स्टोर्स हैं। इसके फाउंडर थे जॉय सी थॉमसन, पर चाइना को तो इस अमेरिकन कंपनी से आगे निकलना था। तो जानते हैं चालाक चीन ने क्या किया। उसने अपने यहाँ बना डाला 712, जो 711 की हूबहू डुप्लीकेट कॉपी है। चाइना नंबर्स में तो आगे निकल गया, पर क्वालिटी के मामले में आज भी चाइना दुनिया में सबसे पीछे ही जाना जाता है। एप्पल स्टोर की कॉपी। एप्पल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कैलिफोर्निया में। इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, टीवी, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सर्विसेज। एप्पल चाइना में भी अपना बिजनेस करती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में भी है। और चाइना में आपको एप्पल के बहुत सारे स्टोर्स देखने को मिलेंगे। और इसी बात का फायदा उठाकर चालाक चीन ने उन स्टोर्स के बीच में अपने कुछ फेक स्टोर्स खोल लिए और इन फेक स्टोर्स पर अपने फेक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। एप्पल के सभी फेक प्रोडक्ट्स चाइना इन फेक स्टोर्स पर ही बेचता था, जिसका बाद में खुलासा खुद चाइना के लोगों के द्वारा हुआ। वैसे तो चाइना दुनिया भर के सभी ब्रांड्स को कॉपी करता है। हमने आपके सामने कुछ जरूरी प्रोडक्ट्स रखे हैं जिनकी कॉपी चाइना में मिलती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।